तुम बड़े मैंने की से। दोस्तों आज किस वीडियो में ग्लोइंग इफेक्ट का न्यू लैरिक्स स्टेटस एडिट करना आपको सिखाने वाला हूं जो भी आपने स्क्रीन के ऊपर देखा किस तरीके से बनाएंगे कंप्लीट आज किस वीडियो में आपको बता दूंगा उससे पहले आपको कैन चीजों की जरूरत होगी वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सबसे पहले जो सॉन्ग आप सिलेक्ट कर रहे हैं जिस भी सॉन्ग के साथ आप अपना स्टेटस क्रिएट कर रहे हैं जो कि मैं अभी आपको सिखाऊंगा अगर आप वो गाना ले रहे हैं जो गाना मैंने लिया है तो उस गाने की जो लैरिक्स है वो मैं आपको दे दूंगा अगर मेरे अलावा अगर आप दूसरा गाना यूज करते हैं तो उसकी लैरिक्स के लिए आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे वहाँ पर उस गाने का नाम सर्च करेंगे जिस भी गाने को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद पीछे लिख देंगे सॉन्ग लैरिक्स तो वो उसकी जो लैरिक्स है वो आ जाएगी उसको आप कॉपी कर लेंगे अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा नोट पैड ऐप जहाँ पर आप अपनी लैरिक्स को पेस्ट कर देंगे और उसके बाद जिस जिस भी लाइन की आपको जरूरत पड़ेगी जिस भी उस लैरिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी आप वहाँ से कॉपी करके इजीली यूज कर सकते हैं अपने अलाइट मोशन ऐप के अंदर उसके बाद ओपन करेंगे अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते ही आपके सामने इस तरह से एंटरपेस आ जाएगा आपको प्लस पर क्लिक करना है फोर वाला रेशियो सेलेक्ट करेंगे अगर आप इसी सी को अगर आप इसी स्टेटस को फुल स्क्रीन के अंदर बनाना चाहते हैं तो आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है एक हज़ार अस्सी तेईस चालीस आपको रेजुलेशन सेलेक्ट करना है क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है लेकिन मैं इसको फोर पॉइंट फाइव वाले रेशू को मैं क्रिएट करता हूं आपको यही सब कुछ रखना यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है इस तरह के इंटरफेस आने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है ऑडियो पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले आप पर यहाँ पर एक ऑडियो यहाँ पर ऐड कर लेंगे जिस सॉन्ग का मैं यूज करने वाला हूँ आप इस सॉन्ग की मतलब आप कितना स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं उतना आप सोंग की साइज को रख लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बीस सेकंड तक ले लेता हूँ ले ले ले, फालतू का हिस्सा मैं हटा देता हूँ और आगे आ जाता हूँ ठीक है अब आपको क्या करना होगा यहाँ पर मैं एक आपको एक इमेज डाल देता हूँ अगर इमेज डाल रहा हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो आप कोई भी इमेज डाल सकते हो अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देता हूँ प्लस पर आपको क्लिक करना है गैलरी में से आप अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे थ्री डॉट पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेंगे और ब्लेंडिंग ओपासिटी से इसकी ओपासिटी हल्की सी कम कर लेंगे यानी कि आप टेन परसेंट इसकी ओपासिटी रख लेंगे उसके बाद आगे आएंगे फोटो पर क्लिक करेंगे बिल्कुल लास्ट में जाएंगे जस्ट आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आगे आ आएंगे प्लस पर आपको क्लिक ना टैग पर आपको क्लिक करना है अब आपको larax टाइप करनी होगी जो larax मैंने अभी आपको बता दिया था आपको अपने larax को कॉपी कर लेना है मैंने अपने larax को अपने नोटपैड पर पेस्ट कर रखा है जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं ये रही मेरी larax मेरी पहली लाइन है मे हो तुम हमको मैंने इसको कॉपी किया उसके बाद आप ओपन करेंगे अलाइट मोशन ऐप को आपको भी यही प्रोसेस करना है अपने लैरिक्स को आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको बिल्कुल बीच में ले लेंगे ऊपर क्लिक करेंगे क्लिक करके ये ट्रेंडिंग फ़ोन आप सेलेक्ट करेंगे मैं आपको टू फोन दे दूंगा आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो फ़ोन्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी मर्जी है यहाँ पर आपको कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं करना आप इसको इस तरीके से रख लेंगे ऊपर से अट्ठारह पी पर क्लिक करेंगे इसकी साइज़ को इंक्रीज कर लेंगे इस तरीके से उसके बाद राइट पर क्लिक कर देंगे और आगे आ जाएंगे मो एंड ट्रांसफर से ये इसकी साइज को यहाँ से जूम कर लेंगे इतना काफ़ी है उसके बाद आगे आ जाएंगे यहाँ पर आपको दिखते हैं यहाँ पर मैं लैरिक्स पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर एच मेरा छोटा है तो उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है आपके जो लैरिक्स के अगर कोई छोटा नेम है तो अगला जो नेम है उसको आपको बड़े तरीके से मतलब बड़े अक्षर में लिखना है तो लैरिक्स और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी अब आपको क्या करना है यहां पर आपको सुनना है मिले हो तुम हमको ये जो आपकी लाइन है लैरिक्स की ये कहां तक है तो मेरी जो लाइन वो यहाँ तक है तो मुझे लैरैक्स पर क्लिक करना होगा जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसकी साइज उतनी हो जाएगी उसके बाद आपको इसको इसके अंदर ग्लोइंग इफेक्ट डालनी होगी तो आप प्लस पर क्लिक करेंगे व, आ, इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करेंगे जो भी इफेक्ट डालनी है वो मैं आपको दे दूँगा ओल्ड मेटेरियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप इस तरह की ग्लोइंग इफेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे प्ले करके देखते हैं इस तरह की ये इफेक्ट है ठीक है उसके बाद आपको इसका ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव करना होगा उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑपॉसिटी पर क्लिक करेंगे लाइटन पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा ग्लोइंग इफेक्ट के अंदर से उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे ग्लोइंग इफेक्ट पर और हल्का सा आप आगे बढ़ाएंगे तो ये सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट तो आप इसकी साइज़ को यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर क्लिक करके इनक्रीज़ कर देंगे इस तरीके से और उसके बाद फिर से इस तरीके से आप रख लेंगे ठीक है अब आपको क्या करना है जो टैक्ट आपने डाला है उससे टैक्ट के अंदर भी वही कलर होना चाहिए जो कि आपके ग्लोइंग इफेक्ट के अंदर है तभी हमारा स्टेटस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके लिए आपको टैक्ट पर क्लिक करना है इफेक्ट पर आप क्लिक करेंगे ऐड इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है ऊपर आप सर्च करेंगे ग्लो इफेक्ट तो यहाँ पर जी एल ओ ये वाली इफेक्ट आ जाएगी ग्लो इसे आप सिलेक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपको क्लिक करना है अब तो यहाँ पर आप रेडियोस को कम कर लेंगे रेडियोस को आप यहाँ पर रख लेंगे ऑनली ट्वेंटी या ट्वेंटी फ़ाइव आपके हिसाब से आप जो भी, भी फोन सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से अगर दूसरा फ़ोन सेलेक्ट करते हैं तो आप तो ट्वेंटी रख सकते हैं काफ़ी है तो मैं इतना रख लेता हूँ उसके बाद आपको अल्फा पर क्लिखना है अल्फा को आप यहाँ पर रख लेंगे फ़ोर पॉइंट या फाइव अल्फा को आप कम कर लेंगे यहाँ पर आप इस अल्फ़ा को रख सकते हैं पाँच परसेंट तक रख सकते हैं तो पाँच 15 परसेंट तक रख लेंगे काफ़ी इस पर क्लिक करेंगे इसको आप रख लेंगे यहाँ पर 0.40 0.40 काफ़ी है अब आपको यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना है यहाँ पर कलर है तो कलर पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको वो कलर सेलेक्ट करना है जो कि आपके ग्लोइंग इफेक्ट के अंदर इसको ले लेते हैं तो ये वाला कलर है तो इस पर आप क्लिक करेंगे और बीच में आपको कलर पर क्लिक करना है जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये वाला कलर ये रहा इसको आप इस तरीके से ले लेंगे तो ये कलर यहाँ पर सैम मैच हो जाएगा और उसके बाद आगे आएँगे अगर आपको यहाँ पर कलर कम दिखता है तो अल्फ़ा को इंक्रीज कर सकते हैं और रेडियोज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो वो कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखेगा के बाद आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से लग चुकी है यानी कि जो हमारे ग्लोइंग इफेक्ट के अंदर जो कलर है वही हमारे टैक्ट के अंदर होना चाहिए तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन है मिले हो तुम हमको और उसके बाद दूसरी लाइन है बड़े नसीबों से तो उसके बाद आप जाएंगे अपनी दूसरी लाइन को कॉपी करेंगे बड़े नसीबों से उसके बाद ओपन करेंगे फिर से लाइट मोशन ऐप को यहाँ पर आप टैक्ट पर क्लिक करेंगे इसको यहाँ पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेंगे वापस क्लिक करेंगे पेस्ट लेयर कर देंगे इस पर आपको डबल टाइप करना है सॉरी क्लिक करना है और एडिट टैक्ट पर क्लिक करेंगे जो पहले का लैरिक्स है उसको आप हटा देंगे अभी के लरिक्स को पेस्ट करेंगे इसके भी आगे आगे वाले जो भी नेम है उसको आप बड़े अक्सर के अंदर टाइप करेंगे इस तरीके से उसके बाद राइट पर आपको क्लिक करना है प्लस पर आप क्लिक करेंगे इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करेंगे दूसरी ग्लोइंग इफेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और आपके हिसाब से जो आपको अच्छी लगती है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे मैं आपको पाँच से छः जो है वो दे दूंगा ग्लोइंग इफेक्ट तो मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया ब्लेंडिंग ऑपासिटी पर आपको क्लिक करना है लाइटन पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक करेंगे ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा आप इसको इस तरीके से हाथ से आगे लेकर जाएंगे तो ये यह यहाँ से प्ले हो रही है और उसके बाद आप उसकी साइज को हल्का सा इनक्रीज कर देंगे इस तरीके से तो बाद आपको ये जो टैक्ट है इसके अंदर वही कलर रखना है जो कि आपके ग्लोइंग इफेक्ट के अंदर है तो आपको टैग पर क्लिक करना है इफेक्ट पर क्लिक करेंगे ग्लो इफेक्ट पर क्लिक करेंगे नीचे से लाइट करना है कलर पर आपको क्लिक करना है ये वाला कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप कलर पर क्लिक करके इसकी साइज को इंक्रीज़ करके आगे आ जाएंगे तो आपके जो लैरिक्स के अंदर भी वही कलर हो जाएगा जो कि आपके इफेक्ट के अंदर है आगे आपको सेम प्रोसेस है इसी तरीके से आपको पूरी लैरिक्स को डाल देना है उसके बाद आपका स्टेटस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा सेटिंग के पास वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं